इत्तेहाद न्यूज़ को देखने से पहले सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, लाइक कीजिए और बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इत्तेहाद न्यूज़ में आप सभी का हर मकदम है। मेहमान खानदान माशरे का इंतहाई अहम इदारा है, जो इसके फैलने फूलने, इसकी बका व तहफ़ और इसके ढांचे की तश्कील में बुनियादी किरदार अदा करता है। अपने साखत के एतबार से ये इदारा बहुत छोटा है, लेकिन माशरे को मजबूत और मुस्तकम बनाने और इस पर असरअंदाज होने में इसका जो रोल है, इससे इसकी अहमियत और भी बढ़ जाती है। यह सिर्फ अपराध साजी का कारखाना नहीं है, बल्कि इंसान साजी की जगह है। माशरे की तश्कील में ख़ानदान की हैसियत ईंट के जैसी, जिस तरह ईंटों के जुड़ने से इमारत तामीर होती है, इसी तरह ख़ानदानों के वजूद में आने से माशरा तश्कील पाता है। अच्छे और मजबूत ख़ानदान माशरे को सही रुख देने में बुनियादी किरदार अदा कर रहे हैं। आजकल माशरे में बुराइयों का सैलाब उमड़ा हुआ है। माशरे को तालीम और तरबियत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दी थी, हम उससे कोसों दूर जा चुके हैं। लिहाजा एक बार फिर अपने माशरे को बेहतर बनाने के लिए जमात इस्लामी हिंद की जानिब से मुल्की सतह पर मुहिम चलाई जा रही है। 19 से 28 फरवरी तक इस मुहिम को मुल्की सतह पर चलाया जा रहा है। इसी मद्देनज़र मौलाना सैयद अब्दुल हसीब साहब रुकन शोरा जमात इस्लामी कर्नाटक ने बेलगाम में इसी मुहिम के तहत अवामी खिताब फरमाया, जिसमें कसीर तादाद में लोगों ने शिरकत फरमाई। इस वक्त दिगर मेहमानान में जमात इस्लामी बेलगाम के अमीर मकामी जनाब रियाज अहमद औटी, जनाब शाहिद मेनन रुकन जमात, जनाब यासिन मकानदार और दिगर जिम्मेदारान मौजूद थे। आइए इस पर मुख्तसर सी एक रिपोर्ट। इत्तेहाद न्यूज़ देखने के लिए शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। हम तय कर लें कि एक मोमेंट बनकर जिंदा रहेंगे और मोमेंट बनकर नहीं मरेंगे, और हमारा घर एक मिसाली घर होगा पूरे मोहल्ले के लिए। मेरी बीवी मिसाली, मेरे बच्चे मिसाली, मेरे माँ बाप मिसाली, मुझे देख कर लोग कहेंगे बाप का खिदमत करने वाला है, ये माँ के पैरों को दबाने वाला है और माँ के लिए भागा भागा फिर रहा है, बच्चों के लिए अखलाक इसकी तलाश में है, एक मुजाहिद है, ये तस्वीर मेरी और आपकी बनी चाहिए। तो इंशाल्लाह मजबूत खानदान बनेगा और ऐसे मजबूत खानदान से मजबूत माशा बनेगा। ये खुदकशियां, ये सुसाइड, फैनों के नीचे लटकना, भाग कर जाना, फाइव स्टार थ्री स्टार होटलों की सीनत बनना, अपने जिस्म को बेचना, ये लव स्टोरीज, ये लव जहाज, ये सब जो चीजें हैं एक एक करके निकाल दीजिए और मुझे कसम खा लें कि मैं बगैर जहेज के एक दीनदार लड़की से निकाह करूंगा, चाहे पूरा खानदान खाली होता है। मैं घर में औरतों ने मान लो साहब बदलो इसे, ये मेंटेलिटी को चेंज करो। अगर आपने आज इसका एक इनकलाब कदम उठाया तो यकीन मानिए एक जनरेशन के ऊपर इसका असर पड़ेगा। एक मिसाल बन जाएंगे, लोग कहेंगे कि फलाने का बेटा बगैर जहेज के, बगैर डोरी के उस दीनदार लड़की को उसके जिस्म के कपड़ों के साथ दुल्हन बनाकर घर लाया। ये भी एक हिम्मत का काम है, इसे करना होगा। दोस्तों, बात खत्म करते हुए हमारे सबकी ख्वाहिश है घर में अमन रहे, सुकून रहे, इत्मीनान रहे, खुशहाली रहे, सब एक दूसरे से प्यार मोहब्बत करने वाले रहे। मोहतरम मौलाना सैयद अब्दुल हसीब साहब हुबली रुकन शोरा जमात इस्लामी कर्नाटक, आपसे आज मजबूत इस्तीफादा किया गया है। मजबूत खानदान, मजबूत समाज, इस उनवान पर आपने बिल्कुल सुलगते मसाइल को और हमसे आपसे मुतलिक घरों में जो कुछ चीज़ें मसाइल हैं इनको और खुद पर खुलकर इस पर गुफ्तगू की और हमारे मेहमान फरमाई, तो केवल से तबादला इंजाम फरमाया। इस पर हम सबको अल्लाह तआला का शुक्र अदा करना चाहिए और अपनी ज़िंदगी